सभी किसान भाइयों एवं बहनों को भारत एग्री से एग्री डॉक्टर गजेंद्र पटेल का नमस्कार। किसान भाइयों, आज भारत एग्री के स्मार्ट खेती के अंतर्गत हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हीरक पृष्ठभूतका कीट के लक्षण एवं इसको नियंत्रित करने के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, यदि आपको गोभी वर्गीय फसलों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। प्रिय किसान भाइयों, यदि गोभी वर्गीय फसलों में इस कीट का समय रहते नियंत्रण न किया जाए तो यह गोभी वर्गीय फसलों को 50-60% तक नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, इस कीट का जो पतंगा होता है वह पौधे की पत्तियों के नीचे जाकर समूह में अंडे देता है। यह अंडे कुछ दिनों में फूटकर उससे छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा उसकी पत्तियों को खुरचकर खाते हैं। जैसे जैसे ये लार्वा बढ़ते जाते हैं किसान भाइयों, यह इनका प्रकोप और ज्यादा होता जाता है। किसान भाइयों, इनका अत्यधिक प्रकोप होने पर यह पौधे को पूर्ण रूप से खाकर नष्ट कर देते हैं। पौधे में केवल कंकाली शेष रह जाते हैं। दूर से देखने पर पौधा पूरा हमें क्षतिग्रस्त नजर आता है। किसान भाइयों, आइए जानते हैं इसके प्रभावी नियंत्रण के बारे में। इसके लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों, प्रति एकड़ खेत में 25-30 टी आकार की लकड़ियां हमें गाड़नी चाहिए, जिस पर कोई भी पक्षी आकर बैठेगा और इनको चुनकर खाकर नष्ट कर देगा। दूसरा, किसान भाइयों, खेत में हमें फेरोमोन ट्रैप स्थापित करने चाहिए। जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, बैसिलस थुरिंजेंसिस पाउडर और एनपीवी वायरस का छिड़काव कर इस कीट पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। ये तो हो गया हमारा जैविक तरीका। दूसरा, किसान भाइयों, नीम तेल 1500 ppm को 1 लीटर तेल को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करने से प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC 20 मिली दवा को और क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc 800 ml दवा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने से इस कीट पर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, कोई भी दवा को लगातार प्रयोग न करें, इन दवाओं को अदल बदल कर प्रयोग करें। प्रिय किसान भाइयों, दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें और भारत एग्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।